हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू एटीपी टी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और नीट 2022 के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे और बच्चों आपने नीट 2021 में कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी यानी लास्ट ईयर बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी रही होंगी जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और यदि आपने अभी तक उसको एनालाइज नहीं किया है और सीधे ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो कुछ गलतियाँ जो आपने की थी लास्ट ईयर वो दूर नहीं हो सक हो पाएंगी तो बच्चों ज़रूर से ये वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको पता हम डिस्कस करेंगे उन मिस्टेक्स को जो आपने की थी और इस साल आप बच्चों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही है। यदि आप कोटा आकर के एम हमसे पढ़ना चाहते हैं तो टू में आप रजिस्टर कर सकते हैं कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और दो बजे लाइव से उसको ज्वाइन करना ना भूलें ठीक है बच्चों तो इस बैच के रिलेटेड जो भी डिटेल

सर मुझे लगता है कि जैसे बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो कोई चैप्टर या फिर कोई टॉपिक उसको वीक लगता है तो उसने वो स्किप कर दिया और उसने फिर ये एनालाइज़ किया कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए तो हमें सारे के सारे टॉपिक कवर करने एक भी टॉपिक आपने नहीं छोड़ना है अगर ऐसा लगता है ना कि जब आप पेपर दे रहे होते हो और फिर आप मम्मी पूछते कि पेपर कैसा गया तब आप ऐसा कहते हो कि सारा का सारा पेपर वहीं से आया था जहाँ से मैंने नहीं पढ़ा तो आपने ये नहीं करना है पेपर वहीं से आएगा जहां से तुमने छोड़ा है तो मतलब एक भी टॉपिक आपने नहीं छोड़ना है क्योंकि बायो में सर इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इतना कोई टफ टॉपिक है नहीं जहां पर ये नौबत आ जाए कि छोड़ना पड़ जाए तो मेरे को लगता है कि सर एक तो सारे के सारे के टॉपिक्स कवर होने चाहिए अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऐसा लगता है कि बायो में कॉन्सेप्ट नहीं होते बहुत सारी चीजें ऐसे रटने की होती है लेकिन ऐसा नहीं हो अगर आप उसको समझ के पढ़ोगे अगर उसको आप डायग्राम के साथ पढ़ोगे तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट है सम टॉपिक्स नोट ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आपने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए और लास्ट तक आपने मतलब ना तो ढंग से नोट्स बनाए और आपके पास इतने सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया और लास्ट में बच्चा ये सोचता है कि सर मैं क्या पढ़ू और क्या ना पढ़ू और लास्ट में चीजें ऐसे स्किप करता चला जाता है चलो ठीक है ये भी छोड़ देते हैं यहां से भी इंपॉर्टेंट नहीं है और नेक्स्ट चैप्टर हम कर लेते हैं सर मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए आप बताओ आपको क्या लगता है देखो बच्चों जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो मोस्टली आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन मिस्टेक्स के ऊपर आप देख लो कि क्या आप कहीं ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो डिलेड डिले इन सिलेबस कंप्लीशन सबसे पहला मिस्टेक जो होता है स्टूडेंट का वो यही होता है कि एग्जाम तक पूरा सिलेबस ही ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ स्टार्टिंग में लगे हुए हैं कोई टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ने में कुछ टॉपिक्स को बहुत कम पढ़ लिया तो ऐसा कई बार हो जाता है या प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी इस वजह से सिलेबस ही छूट गया या सिलेबस कंप्लीशन जो है वो डिले

तो पहले से सारी चीजें प्रेडिक्टेड नहीं होती हैं आपको अभी से आप स्टार्ट कर रहे हो तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है ठीक है और इसके बाद में वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक अब ये कैसे पता लगेगी अरे भाई लास्ट ईयर का पेपर दिया तो आपको लग गया होगा कि कौन से पार्ट के क्वेश्चन गलत हुए कौन से पार्ट जो थे कौन से टॉपिक थे जिनके क्वेश्चन नहीं बन पाए तो उन वीकनेस को जरूर से आइडेंटिफाई कर लेना और आइडेंटिफाई करके उनको कैसे रिमूव करना है कितना टाइम देना है प्लानिंग में आ जाना चाहिए और नॉट प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर लास्ट रिवीजन ये मैम ने अभी बताया कि बाद के लिए बहुत सारा बल्क इकट्ठा नहीं हो जाना चाहिए आपके पास एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में सारी चीजें होनी चाहिए ताकि लास्ट टाइम पे आप उसे पढ़ें कवर करें और आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए तो ये मिस्टेक जो है कॉमनली स्टडी रिलेटेड बच्चे करते हैं हो सकता है इनमें से कुछ आपने 2021 में किया हो लेकिन अब रिपीट नहीं करना है और भी यदि बात करें तो मिस्टेक्स रिलेटेड टू पेपर अटैम्प्टिंग अब पेपर अटम्प्टिंग में भी कुछ मिस्टेक्स होते हैं लाइक कभी टाइम कम पड़ जाता है सिली मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं या ओ एम आर फिलिंग मिस्टेक हो जाती है इग्नोर नहीं करना है जो भी मिस्टेक किया है उसे एडमिट करो और इस बार एकदम कसम खा लो कि इस बार वो मिस्टेक नहीं होगी तो मैम कैसे कवर करें टाइम शॉर्टेज नहीं पड़ना चाहिए सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए क्या करें बच्चे कैसे प्लानिंग करें सर जpelled, जैसे कि एग्जाम अब की आ, अबकी बार जैसे सितंबर में हुआ तो मुझे लगता है कि सर दो या तीन महीने पहले सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए ठीक है फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा जैसे अब की बार एकदम से न्यू पैटर्न आ गया था और पाँच 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 क्वेश्चन अलग हो गए थे इसका मतलब ट्वेंटी क्वेश्चन रीड करने में तो टाइम तो लगेगा ही सर तो इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि हमारा फिजिक्स का पेपर छूट गया क्योंकि उन्होंने वो फिजिक्स सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करी थी अगर और अगर केमिस्ट्री अगर वो लास्ट में अटैम्प्ट करते तो कहते हमारा केमिस्ट्री का पेपर छूट

डाइजेशन में ये पोर्शन मेरा वीक है मेरे को डबल सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने वो जाके टॉपिक वहाँ पर क्लियर किया तो सर मुझे लगता है कि सर तीन या चार महीने पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए आपको क्या कहना है देखो बिल्कुल सही बात है जितना पहले आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाए आराम से ये भी नहीं कि हर बड़ी में पता पड़ा टाइम ही बचाने लग गए ठीक है वैसा नहीं आराम से आप जितना पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे और क्या होता है जितना अच्छे से आपने सिलेबस कंप्लीट किया होता है रिवीजन उतना ही फास्ट हो जाता है है ना तो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो रिविज़न प्रॉपर करो और एग्जाम में जो मिस्टेक्स हो रहे हैं पेपर अटैम्प्टिंग में उसके लिए टाइम सेव करना है मतलब अपनी स्पीड बढ़ा के रखो हर प्रैक्टिस हर क्वेश्चन पेपर जो आप अटैम्प्ट कर रहे हो एग्जाम जो आप इंस्टीट्यूट पर दे रहे हो उसमें कोशिश करो कि यदि थ्री आर का टाइम होता है तो आपका पेपर टू एंड हाफ आवर में ही कंप्लीट हो जाए बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर नीट एग्जाम में इनविजिलेटर की वजह से हमारा दस मिनट खराब हो गया पंद्रह मिनट खराब हो गया अरे भाई होता है लगभग सबके साथ होता है तो इसके लिए परफेक्ट तरीका क्या होता है भाई गलती है। हम इसको इन्विजिलेटर के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं इसे तो हमें ही आगे करेक्ट करना होगा यानी हमें ही अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि हमको टाइम कम ना पड़े टाइम की शॉर्टेज ना हो हमारी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए देन सिली मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स जो है वो सबसे होती है लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जितना आप प्रैक्टिस करोगे अपने सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्कआउट करोगे उतना ही सिली मिस्टेक्स जो है वो भी आपका कम हो जाएगा एंड ओ एमआर फीलिंग मिस्टेक मुझे लगता है कि इस में सबसे बड़ा कोई गलती कोई पाप है तो वो है कि आपने आंसर से तो तो ही और कैसे दूर होगा ठीक हो है तो ये मिस्टेक हुई Then इसके अलावा, कुछ और जनरल डिसीजन करेक्ट प्लानिंग नहीं कर रहे हैं मतलब आप सीधे पढ़े जा रहे हैं भेड़ चाल चले जा रहे हैं सब पढ़ रहे हैं वैसे से ही बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं और प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कब क्या करना है कैसे करना है डिसीजन टाइम पे नहीं ले रहे तो उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है वो अफेक्ट होता है मतलब यदि प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तुरंत से स्टार्ट करें डिसीजन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें और कोटा आके बढ़ना है तो हमसे ए स्टार पर आप ज्वाइन करके पढ़ ही सकते हैं और जल्दी से जल्दी बैच जो है वो ज्वाइन करें ठीक है देन इसके अलावा किलिंग टाइम विथ फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है हो सकता है आपने लास्ट ईयर की हो क्यों मैम क्या क्या करते हैं बच्चे आजकल सर इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ये सारे इतनी सा इतनी स्नैपचैट मतलब इतनी ज़्यादा सोशल साइट्स हैं कि आप उन पर कितना भी टाइम लगा लो पता नहीं चलता एक एक आपने रील देखना शुरू किया इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे रील देखना शुरू किया उसके बाद सर पता नहीं चलता कि एक घंटा कहाँ कैसे चला गया तो मुझे लगता है कि अभी नीड है ही नहीं सर सोशल मीडिया की अभी नीड नहीं है जो ट्रू फ्रेंड्स आपके तब बनते हैं जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो अभी जो फ्रेंड्स बनेंगे वो एक साल से ज़्यादा नहीं टिकेंगे क्योंकि वो अभी जितना जो फ्रेंड्स बन गए वो लास्ट तक

तो यही करता था यदि आप करते थे मिस्टेक कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं ठीक है बच्चों और नीट 2022 के लिए एकदम मन से पढ़ाई करना है। स्टार्ट कर दें और बच्चों यदि ATP स्टार आकर के बैच में पढ़ना चाहते हैं तो जरूर से जो गूगल फॉर्म दिया है उसे फ़िल करें।